फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 23 श्री सुरेश चंद्र 31 मार्च 2013 को दिया हुआ है हमको, ठीक है। स्थानीय शुल्क 200 रुपये पूर्व दत्त है, रेट्स 200 वेयर प्रीपेड, तो रेट्स में टिक करो, नीचे देखो रेट्स लिखा होगा, स्थानीय शुल्क लिखा है 2000 रुपये, वहां टिक कर दो, ठीक है, 2000 रुपये लिखा हुआ है, टिक कर दो, नीचे 2000 रुपये लिखा हुआ टिक करो, पहले पॉइंट पेंसिल लो और टिक करो। फिर सुरेश चंद्र को किराएदार से 500 रुपये प्राप्त होना था, ठीक है, 500 वेयर एक्रूड फ्रॉम सुरेश चंद्र टेनेंट, किराएदार से मिलना था, तो देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड में कहीं किराया दिया क्या, किराया दिया है, किराया 1500 रुपये, वहां पे टिक करो। मशीनरी में 10% ऑप्शन लगाना है, मशीनरी में टिक, गुडविल 1000 रुपये अपलिखित करना है, राइट ऑफ करना है, उसमें टिक कर दो, गुडविल में, गुडविल सबसे लास्ट में दिया है, मशीनरी उसके ऊपर दिया हुआ है, देखो टिक कर दो। उसके बाद 40 रुपये डेटर से डूब गया पैसा, और 5% प्रोविजन करना है, ₹40 इज टू बी रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट, और 5% को प्रोवाइड करना है, ठीक है, इसको टिक कर दो। चलो देखना, हमको ट्रायल बैलेंस में, ठीक है, टू बैड डेब्ट्स दिया हुआ है, मान लीजिए 5000 रुपये, और इस साइड भी दिया हुआ है बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, या प्रोविजन फॉर डेटर्स, अलग अलग नाम रखे इसमें, ठीक है, 500 रुपये देते हैं, और ये दिया है 300 रुपये, ये हमको दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, मतलब आपको क्वेश्चन में से दिया हुआ है। फिर नीचे एडजस्टमेंट में, भी वही दिया हुआ है, बैड डेब्ट्स 400 रुपीज, ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, और नंबर टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या डेटर्स, ठीक है, 200 रुपीज ऐसा दिया हुआ है, या फिर इसको बोलेगा 5% प्रोविजन कीजिए, क्रिएट न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 5%, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, अगर ऐसा दिया है तो उसको हम लोग कहाँ कहाँ पर लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ठीक है, बताता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लाइट चमक रहा था, थोड़ा सा, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे बताता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले मैं जो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट बताता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है, डेबिट साइड में टू ओल्ड बैड डेब्ट्स, ठीक है, कितना दिया है, पुराना वाला 500 रुपये, ये पुराने वाले, ये दोनों न्यू वाले हैं, ओल्ड बैड्स दिए हुए हैं 500, फिर इसका न्यू बैड डेब्ट्स कितना है 400 रुपये, पहले हमारा 500 रुपये डूबा था, अभी और डूबा है, न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स 400 रुपये, 900, उसके बाद 5% प्रोविजन, जो हमारा डेटर होगा ना डेटर, वो डेटर में हम लोग जैसे बैलेंस शीट में हमारा डेटर दिया हुआ है, ठीक है, इसी ट्रायल बैलेंस में डेटर दे देते हैं, ट्रायल बैलेंस में पूरा पार्टी रहता है ना, और ठीक है, डेटर दिया हमारे अंदर, ठीक है, डेटर दिया हमारे अंदर हमारा 6400, ठीक है, तो 6400 में पहले 400 माइनस करेंगे, बैलेंस शीट में देखो बता रहे हैं, तो यहां पर था बैलेंस शीट में बताता हूं साथ में, बैलेंस शीट
लायबिलिटी अबाउट एसेट्स अबाउट, यहाँ पे डेटर्स, डेटर्स में ऑलरेडी वाला ओल्ड वाला एडजस्टमेंट हो जा रहता है, न्यू वाला एडजस्टमेंट नहीं हुआ रहता, ठीक है। ये न्यू एडजस्टमेंट कब आता है, साल के लास्ट में पता चलता है, कुछ कुछ चीजें कि भाई 400 रुपया या 5% प्रोविजन करना है, ठीक है। तो 6400 हमारा डेटर है पहले से, 6400 रुपये, इसमें सबसे पहले न्यू बाय डेट माइनस करेंगे और उसको भी यहाँ पे माइनस करते हैं, ठीक है। पहले माइनस करेंगे न्यू बाय डेट, न्यू बाय डेट 400 रुपये, माइनस कर दो 6000 आएगा, ठीक है। फिर माइनस करोगे न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन, ठीक है, 6000 का 5%। पहले न्यू वाला बैटर्स माइनस करने के बाद, अगर नहीं दिया तो माइनस नहीं करेंगे, पर अगर दिया तो पहले न्यू वाला बैटर्स माइनस करेंगे डेटर में, उसके बाद उसको प्रोविजन करेंगे 6000 का 5%, 300 रुपये माइनस करने पर 5700 रुपये अमाउंट में बाहर। और ये दोनों जो है यहाँ पे ऐड होता है, जो 400 रुपये ऐड हुआ है 300 रुपये भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 1200 रुपये आया। इसको हम लोग डायरेक्ट बाहर लिख सकते हैं या फिर ओल्ड वाले को यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। सबसे अच्छा आपके लिए बेस्ट तरीका क्या बता रहा हूँ, क्रेडिट वाले को क्रेडिट में लिखो और जितना भी डेबिट वाले को जोड़ दो, सबसे बेस्ट तरीका। क्योंकि कभी गलती से ये 1300 दिया है तो 1300 माइनस नहीं होगा, माइनस नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये सारा चीज को फिर रिवर्स लिखते हैं, तो फिर रिवर्स करना, ये सब करना, सारा चीज दिमाग में आता है, सब सब समझ में आता है। आप सिंपल सा क्या करो, जितने भी एडजस्टमेंट करें उसको एडजस्टमेंट वाले में लिख दिए, न्यू बैटर न्यू प्रोविजन लिख दिए उसको, ठीक है। और जब क्रेडिट में 300 रुपये हो चाहे 300 हो चाहे 1300 हो चाहे 3000 हो चाहे 10000 हो, जितना भी लॉस हो क्रेडिट में लिख दो बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट, या फिर ना सर लिख सकते हो ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट, ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट 300 रुपये, अभी 300 हो चाहे 1300 से कोई बात नहीं, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, बाकी जितना भी डेबिट वाला होना था सबको ऐड कर दिए। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे हमेशा, कभी भी कोई गलती नहीं होगा। क्रेडिट वाला क्रेडिट में मतलब ओल्ड प्रोविजन क्रेडिट में लिखो, बाकी न्यू बैड डेट्स हो चाहे न्यू प्रोविजन हो सबको डेबिट में लिखते हैं तो जोड़ दिए उनको, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 लिख लो, क्वेश्चन नंबर 23 इसमें बोला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने और बैलेंस शीट बनाने को बोला, ठीक है। चलो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें डेट डालते हैं फॉर द ईयर एंडिंग करके, फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2013, ठीक है। हमेशा बैलेंस शीट के साथ साथ बनाओगे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, तब कभी गड़बड़ नहीं होता, आपको भी पॉइंट छूटने के चांस नहीं रहते, चेक करने की जरूरत हमको नहीं पड़ती है, ठीक है। हम लोग वैसे करें बैलेंस शीट के साथ में, ठीक है। एक बार मैं, ठीक है, मोबाइल में ध्यान से देखना, अगर मैं हाथ उस साइड करूं तो वीडियो ब्लर होता है क्या, नहीं ये बैलेंस शीट डेट डालते इसमें एज ऑन 31st March 2013, ये बैलेंस शीट का कॉलम हो गया हमारा, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का लिखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का लिखिए घटाते ना सर, ठीक है, पर्टिकुलर, ठीक है, अमाउंट पर्टिकुलर
तो क्रेडिट और ये डेबिट, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ है स्थानीय शुल्क एवं कर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेट्स एंड टैक्स, मतलब लोकल टैक्स बोलते हैं, है ना। दिया हुआ कितना 2000 रुपए। डेबिट में दिया तो डेबिट में आता है रेट्स एंड टैक्स 2000 रुपए। इसके बारे में एडजस्टमेंट दिया हुआ है प्रीपेड है 200 रुपए, 200 रुपए प्रीपेड है, तो प्रीपेड रेट 200 रुपए माइनस कर दो 1800। ये जो 200 रुपए इस साइड माइनस हुआ है, लेफ्ट साइड माइनस हुआ तो राइट साइड में आएगा, मतलब एसेट साइड में। प्रीपेड हमारा एसेट है, ज्यादा पेमेंट के 200 रुपए वो हमारा एसेट है, इस साइड आएगा प्रीपेड रेट। क्योंकि पहले से पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा एसेट है ना, वो हम या तो उसका पैसा वापस लेंगे या अपने का माल ज्यादा बेचेंगे या जो भी चीज का टैक्स है वो उस चीज को वसूल करेंगे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद सैलरी, सैलरी में कोई टिक नहीं है तो डायरेक्ट टू सैलरी 2840 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 760 रुपीज, इसमें कोई टिक नहीं है तो डायरेक्ट है ना। फिर इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस दिया हुआ 600 रुपीज, ठीक है। इंश्योरेंस के बाद लाइटिंग, लाइटिंग है हमारा 819 है ना, 890 रुपए। फिर एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग 2600, एडवर्टाइजिंग 2600 रुपए। जनरल एक्सपेंसेस है ना, सामान्य में जो भी दिया है जनरल एक्सपेंसेस 1370 रुपए। ड्रॉइंग के वो कैपिटल में माइनस होता है तो ड्रॉइंग और कैपिटल को छोड़ दो अभी, ठीक है। उसके बाद कैश इन हैंड एसेट्स में आता है, वो कितना दिया कैश इन हैंड 1600 उसके बाद दिया हुआ हमारा ट्रेड डेटर्स, डेटर्स में कोई टिक है, कोई भी टिक नहीं है, ठीक है। ट्रेड डेटर्स कितना 11,040 उसके बाद स्टॉक 31 मार्च दिया, मतलब एक क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक अगर इसमें दिया हुआ है बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता, डायरेक्ट लास्ट में आने के क्लोजिंग स्टॉक कितना कितना है 26180, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मशीनरी, मशीनरी में टिक लगा हुआ डेप्रिसिएशन का, ठीक है। तो मशीनरी दिया हमारा 25,000 रुपए, मशीनरी 25,000 रुपए दिया हुआ है 25,000 रुपीज, माइनस करेंगे इसमें 10% डेप्रिसिएशन, ठीक है। 2500 माइनस कर दो 22,500 रुपीज आएगा। ये जो डेप्रिसिएशन इस साइड माइनस हुआ है तो राइट साइड में माइनस हुआ है तो आएगा सीधा लेफ्ट साइड में, मतलब इस साइड आता है ना, हमारा लॉस है एक तरह का एक्सपेंडिचर है तो डेबिट में आता है टू डेप्रिसिएशन और मशीनरी 2500 रुपए। उसके बाद यह लैंड एंड बिल्डिंग, उसमें कोई भी टिक नहीं लगा तो डायरेक्ट बाहर 30,000 रुपए है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग स्पेलिंग आपने लिख लेना 30,000 रुपए, ठीक है।
नेक्स्ट दिया है गुडविल 5000 रुपए है, इसमें भी बोला है 10% रिटर्न ऑफ करने है ना, 10% अपने कीट करने बोला था, सॉरी 1000 रुपए है, ठीक है करेंगे ना। हाँ गुडविल देखो मैं बता रहा हूँ गुडविल के बारे में, गुडविल क्या है, किसी चीज को ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा दिए रहते हैं, ठीक है, जितने में हमको खरीदा था उससे ज्यादा पैसा उसको दिए है, तो ज्यादा पैसा क्यों दिए, ताकि जैसे किसी का बिजनेस परचेस कर रहे हैं, अब उसको बिजनेस का ऐसे का लाइबिलिटी माइनस करने के बाद मान के चलो 50,000 आ रहा है, हमको पेमेंट कितना की 55,000, तो 5,000 गुडविल का दिया है, तो 5,000 जो गुडविल उसको एसेट साइड पे शो करते हैं और धीरे धीरे उसको खत्म करते जाते हैं, क्योंकि गुडविल हमारा रियल एसेट नहीं है, ठीक है, इधर देखो, ठीक है, गुडविल 5,000 हो गया, माइनस रिटर्न ऑफ कर देते इसको, रिटर्न ऑफ 1000 रुपए कम कर रहे हैं, हर साल 1000 रुपए कम हो रहा होगा इसमें, ये 4000 इस साल बचा है इस साल का, और जो 1000 कम हुआ उसको हम लोग यहाँ पर दे दें टू गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है 1000 रुपए, ठीक है, ये ट्रेड रिटर्न गलत है, ठीक है, उसको मैं लास्ट में लिख रहा हूँ ट्रेड डेटर्स, ट्रेडर्स 11,040 लिखा हुआ है, उस पर टिक लगा हुआ है, वो भी डबल टिक, क्या बोला उसके बारे में, 40 रुपए बैड डेब्ट्स है और 5% का प्रोविजन करना है, ठीक है, एवरेजन करना है, तो पहले 40 रुपए माइनस कर लेते हैं, उसको लिखते हैं न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स 40 रुपए माइनस कर दो, न्यू तो भी चलेगा क्योंकि वो न्यू वाला है ना, ठीक है 11,000 आएगा, उसमें 5% आप प्रोविजन कर दो, माइनस न्यू प्रोविजन 5% लिखता हुआ, ठीक है 5% न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन इसका 5% कर दो 550, ठीक है माइनस करो 10,450 आएगा, ये दोनों जो माइनस हुआ है वो यहाँ पे आके जो यहाँ पे जो बैडर्स होता है ट्रायल बैलेंस उसको ऐड कर देते हैं, तो है ही नहीं ट्रायल बैलेंस में, पहले से कहीं भी डेटर्स बैड डेट्स नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पे न्यू बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स 40 रुपीज प्लस न्यू प्रोविजन, ठीक है प्रोविजन किस चीज का लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर तो बेटर लिखा हुआ है, 550 519, ठीक है नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया है एसेट साइड कंप्लीट हो गया, लायबिलिटी साइड से देखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट, जहां से हमको शुरुआत करा था सबसे पहले उसी को छोड़ दिए थे हम लोग, ठीक है ग्रॉस प्रॉफिट 20,260, उसके बाद डिस्काउंट दिया हुआ है 1,300 बाय डिस्काउंट 1,350, ठीक है उसके बाद रेंट दिया है, रेंट के बारे में एडजस्टमेंट भी दिया है एक्रूड बाय रेंट, ठीक है किराया दिया 1,500 रुपये दिया है और उसमें बोला 500 रुपये प्राप्त होना बाकी है अभी ना सेफ था, मतलब टोटल 2,000 मिला था, 1,500 मिल के 500 रुपये हम लोग को नहीं मिला है, तो उसको बोलते हैं एक्रूड, ठीक है जितने भी एडजस्टमेंट हो रहे दो दो बार जा रहे हैं, इसलिए दोनों यहाँ पे माइनस हुआ, दोनों यहाँ पे प्लस, यहाँ पे रिटर्न ऑफ किए हैं, यहाँ पे एक बार लिख दिए डेफिनेशन भी बोला है, यहाँ पे एक बार लिख दिए सब डबल डबल हो रहा है, यहाँ पे एक्रूड लिखे हैं, एक्रूड इस साइड है, इस साइड प्लस है तो इसी साइड आएगा, एक्रूड रेंट 500 रुपीज, ठीक है उसके बाद दिया है बैंक लोन, बैंक लोन हमारी लायबिलिटी है 1,500 रुपए लायबिलिटी में आएगा, बैंक लोन 1,500, ठीक है क्रेडिटर दिया है हमारा 3,930, क्रेडिटर्स 3,930, उसके बाद दिया कैपिटल लास्ट में, ठीक है कैपिटल दिया हमारा 90,000 रुपए, कैपिटल लिखने से पहले हम लोग चेक करते हैं प्रॉफिट कैसे आया, ठीक है पहले एडजस्टमेंट चेक कर लो, एडजस्टमेंट को छूटा क्या, प्रीपेड दो बार आ गया, चेक कर लो प्रीपेड एक बार यहाँ पे एक बार वहाँ पे, दो बार आ गया ये अप्राप्त जो एक्रूड था, एक बार यहाँ पे एक बार वहाँ पे वो भी आ गया, डेप्रिसिएशन दोनों जगह हो चुका है, गुडविल रिटर्न ऑफ दोनों जगह हो चुका है, बैड डेब्ट दोनों जगह हो चुका है, सारे एडजस्टमेंट डबल डबल हो चुके हैं कंप्लीट है, बस आप प्लस माइनस करो आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है तो क्रेडिट साइड का टोटल कर लो आप लोग,
क्रेडिट साइड पे टोटल आपका आ रहा है, ठीक है, 20, 22, 23, 23, 610, ठीक है, 23,610 में इसको ऐड करो, कितना आ रहा बताओ, तो इस साइड का मेरा टोटल आ रहा है 14,950 और इसमें से इसको माइनस करें तो 8,660 रुपये मेरा प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, तो ये लिखे मैंने 8,660 रुपये आ गया क्या आंसर, ठीक है, चेक करते आ गया आंसर हमारा, इसको लिख देते हैं टू नेट प्रॉफिट और उसको लिखते ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 30,610 रुपए। अभी जो नेट प्रॉफिट है वहां कैपिटल में हमारा ऐड हो जाता है प्लस नेट प्रॉफिट, ठीक है, 8,660 ऐड कर दो 98,660 माइनस कर देते हैं ड्रॉइंग, ठीक है, इसमें ड्रॉइंग हमारे दिया हुआ है, ठीक है, 610 ये, ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग ड्रॉइंग 10,100 माइनस कर देगा आपका 88,560, अब दोनों साइड का टोटल कर लो आपको बराबर आएगा, ठीक है, दोनों साइड टोटल बराबर आ जाएगा, आइए सर।